और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की ओर से बस्तर की आदिम जन संसद पर आधारित झांकी को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि देश के 28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की आदिम जन संसद और मुरिया दरबार को इस साल नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित किया गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के प्रख्यात लोक कलाकार रिकी क्षत्रिय एक बार फिर से देश की राजधानी नई दिल्ली में नजर आएंगी। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क संचालनालय की ओर से रिकी क्षत्रिय को औपचारिक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके चलते टीम मुरिया दरबार को प्रदर्शित करने अपनी पूरी तैयारी में जुट गई है। दिल्ली जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, आपकी यात्रा सफल हो। और एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के साथ में है, पूरा छत्तीसगढ़ का मान और सम्मान आप लोगों के हाथ में है, तो आप लोगों से हम चाहेंगे बहुत अच्छे से ये झांकी वहाँ पर प्रस्तुत हो और ये मुरिया दरबार गणतंत्र दिवस परेड राजपथ नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की झांकी के साथ हमारे 16 महिला कलाकारों की टीम जा रही है। इस साल हमारे छत्तीसगढ़ की झांकी मुरिया दरबार आदिवासियों का आदिम जन संसद उस बहुत ही पुरातन संस्कृति है, उनके आधार पर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने एक बार में इन्हें सेलेक्ट किया और छत्तीसगढ़ शासन को आमंत्रित किया है। देश का पहला ऐसा संस्कृति है जहाँ पर एक लिमऊ राजा हुआ करता था बस्तर में, वो लिमऊ राजा एक नींबू को प्रतिरूप के रूप में न्याय करते थे। उस जमाने में कोई कोर्ट कचहरी पुलिस कुछ नहीं होता था उस संस्कृति। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नेहा विश्वकर्मा पाटन से हूँ। हमन दुर्ग की तरह दुर्ग से रिकी भैया के निर्देशन में हमन छत्तीसगढ़ के झांकी ला लेके 26 जनवरी में प्रेजेंट करे बर जात हन, जेमा हमन छत्तीसगढ़ के झांकी ला दिखाबो और नीचे परम नृत्य करबो।